ये वो इमारत है जिसके मुकद्दर को मानो वक्त ने खुद ही आकार दिया और इतिहास में दर्ज वो किस्से जिसने इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया। इन लाल दीवारों के भीतर एक नायाब सी मंजिल जिसके गवाह रहे ये महल, ये गलियारे, ये आंगन और ये पानी की नहरें। यमुना नदी के किनारे 17वीं शताब्दी में तराशी गई ये लाल पत्थर की भव्य इमारत आज भी एक अजीमुशान साम्राज्य की निशानी है। इसी सिंहासन पर लगभग 200 वर्षों तक हिंदुस्तान के अनेक शासक विराजमान रहे। राजनीतिक उथल पुथल के दौर से लेकर हर्षोल्लास के मंजर का साक्षी लाल किला हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कई अध्यायों का एक बेशकीमती संग्रह है। देश की आधुनिक राजधानी दिल्ली की बढ़ती सीमाओं और शहरीकरण के बीच ये भव्य लाल किला आज भी सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारत है। शाहजहां वांटेड अ प्लेस वेयर ही कैन डिजाइन अ न्यू सिटी एंड अ न्यू। शाहजहां एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वो अपनी पसंद की नगरी और एक महल को बनवा सकते थे। वो एकदम शुरू से इस काम को करना चाहते थे। दिल्ली देश के मध्य में है और अगर आप गौर करें तो दिल्ली से सभी तरफ नजर रखी जा सकती थी, चाहे वो उत्तर पश्चिम हो या पूर्व या फिर दक्षिण। साथ ही दिल्ली का एक बेहद पुराना इतिहास भी रहा है। हालांकि अगर आप मुगलों की बात करें तो अकबर ने दिल्ली के बजाय आगरा में अपनी राजधानी बरकरार रखी, क्योंकि दिल्ली उन्हें अपने पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से पराजय याद दिलाया करती थी। लेकिन शाहजहां ने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया था। कैपिटल सिटी। यूं तो इस किले के सीने में कई ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाव विभोर पल हर 15 अगस्त को देखने को मिलता है, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, तो उस पल के साथ एक आजाद प्रजातांत्रिक देश की शक्ति, संयम और संस्कृति का परचम भी लहराता है। 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई ये परंपरा आज दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का उत्सव है।
मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में 29 अप्रैल 1639 को इस किले की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसी तारीख के लिए अपने ज्योतिषी और हकीमों से सलाह ली थी। यहाँ के वास्तुशिल्प, बाग बगीचों की बनावट और महलों के आकार में फारसी और तैमूरी शैली के साथ साथ यूरोपियन और प्राचीन भारत की इमारतों के भव्य शिल्प की झलक भी देखने को मिलती है। If you see Shahjahanabad, Shahjahanabad represented universe. शाहजहानाबाद और लाल किले की प्लानिंग के पीछे एक सूफी धारणा भी है, जिसके मुताबिक इंसान ब्रह्मांड के बीच एक केंद्र बिंदु है। ठीक इसी तरह शाहजहानाबाद एक ब्रह्मांड है और लाल किला इसके बीच एक बिंदु। यहाँ दीवाने आम सिर है, जामा मस्जिद दिल, शाहजहाबाद की गलियां नाड़ियां हैं और चांदनी चौक रीढ़ की हड्डी। हिंदू वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी करमुखा धारणा या कहें धनुष बाण के आकार से भी प्रेरणा ली गई है। लाल किले और नगरी की दीवारों का आकार एक धनुष की तरह है और चांदनी चौक की सिधाई एक बाण। द रेड फोर्ट राइट फ्रॉम अकबराबादी गेट टू सलीमगढ़ गेट एंड देन द मार्केट बाजार एंड ऑल दोस प्लानिंग इफ यू सी इट्स लाइक बो and string is Salimgarh and Akbarabadi gate and bow shape is the outer side of the fort along with the marketplace and the arrow is Chandni Chowk Bazaar. नौ साल के लंबे इंतजार के बाद लाल किला तैयार हुआ। दरबारी दस्तावेजों के मुताबिक पूरे दिल्ली शहर को सम्राट शाहजहां के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया गया था। उस वक्त लाल किले को किलाए मुबारक के नाम से बुलाया गया। और अगले 210 सालों तक इसी किले से हिंदुस्तान की हुकूमत चलती रही। आकार में आगरा और सिकंदरा के किले से बड़ा किलाए मुबारक की कल्पना उस समय शुरू हुई जब शाहजहां ने एक बार फिर मुगल राजधानी को दिल्ली में बसाने का फैसला लिया। किले के साथ साथ शाहजहां ने दिल्ली में नया शहर शाहजहानाबाद भी बसाने का आदेश दिया। This area was known as Noorgarh. ये इलाका नूरगढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थी, झुंझबल और बुझबल पहाड़ी। एक पहाड़ी पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया और नूरगढ़ के बेहद पूर्वी छोर को किला बनाने के लिए चुना गया। इस्लाम और हिंदू वास्तुशास्त्र में नदी को काफी महत्व दिया गया है। शाहजहां को नदी के पास और एक ऊंचाई पर महल बनवाना था जो कि यहाँ मौजूद था, इसलिए ये जगह सबसे उचित मानी गई। So that is why this area was selected. पुरानी हवेलियों, इमारतों, चमचमाते बाजारों और इनके बीच से गुजरती गली कूचों से आबाद शाहजहानाबाद आज दिल्ली की संस्कृति का अहम केंद्र बिंदु है। दो सौ 250 एकड़ में फैला और तकरीबन 1 करोड़ की लागत से बना यह किला मुगल काल की राजनीतिक ऊंचाई ही नहीं
बल्कि एक विभिन्न सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान का भी प्रतीक है। साथ ही बड़े पैमाने पर लाल पत्थर के इस्तेमाल की वजह से ये इमारत दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतों के बीच अलग खड़ी दिखाई पड़ती है। Red sandstone especially, it was used by the Mughals. मुगलों ने लाल पत्थर का काफी इस्तेमाल किया। असल में जब अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी के पास लाल पत्थर की खदानें बड़ी मात्रा में मौजूद थीं। ये आसानी से उपलब्ध किया जा सकता था और सस्ता भी था। इससे पहले हम देखते हैं कि पुरातन काल की इमारतों में स्लेटी पत्थर का काफी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाल पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मुगल काल आते आते ये काफी हद तक इस्तेमाल होने लगा, और क्योंकि दिल्ली और आगरा यमुना नदी से जुड़े हुए थे, तो इसे यहाँ लाने में कोई खास दिक्कत भी नहीं हुआ करती थी। इट वॉज वेरी इजी टू ब्रिंग दैट चीप एंड इजीली अवेलेबल रेड सैंडस्टोन फ्रॉम द फतेहपुर सीकरी क्वेरीज। So the earliest Mughal buildings are built by Babur and Humayun, and they are. अगर आप प्रारंभिक मुगल सम्राट यानी बाबर और हुमायूं के दौरान बनाई गई इमारतें देखें, तो उन सब में तैमूरी शैली की छाया नजर आएगी। अक्सर हम इस तरह की इमारतें समरकंद और बुखारा में देखते हैं। बात यह है कि उस समय मुगलों की वास्तुकला उभर ही रही थी, ना ही उनके पास खास कारीगर थे और ना ही उन्हें इमारतें बनाने का तजुर्बा था। The right materials, to build buildings as splendid as those back in Samarkand, Bukhara. एक समय था जब 14 भव्य द्वार शाहजहानाबाद नगरी में प्रवेश के लिए शुमार थे। वक्त बीतने के साथ साथ आज सिर्फ दिल्ली, तुर्कमान, अजमेरी, लाहौरी, मोरी और कश्मीरी नाम के दरवाजे शाहजहानाबाद की बतौर पहचान के नाम पर जुड़े हुए हैं। लाल किले की खूबसूरत वास्तुकला यहाँ कदम रखने के साथ ही आज भी कायल कर देती है। किले की बनावट को शाहजहानी स्टाइल में सहेजा गया है। शाहजहानी स्टाइल या कहें एक राजसी अंदाज, उम्दा डिजाइन और रंगकारी का खूबसूरत मेल, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शाहजहां had a very distinguished style of architecture. वास्तुशिल्प के मामले में शाहजहां का एक बेहद विशिष्ट अंदाज था, या कहें उत्कृष्टता को महत्व दिया गया। साथ ही पीट्रेडुरा, जो कि एक इटालियन कला थी, यहाँ पर पत्थर पर बेहद बारीकी से काम किया जाता है और रत्न और जवाहरात जड़े जाते हैं। शाहजहां के दौर में इस कला में हमने महारत हासिल की। शाहजहानी स्टाइल में कशीदा कारी वाली मेहराब को बेहद महत्व दिया गया। वैसे मेहराब शाहजहां के दौर से ही देखने को मिलती है। गुलदस्ता नुमा खम्भों के साथ साथ संतुलन भी शाहजहानी स्टाइल की मिसाल है। साथ ही शाहजहां ने बाग बगीचों समेत पानी की नहरें और सफेद संगमरमर की इमारतें बनवाने पर भी जोर दिया। वाटर एंड ग्रीनरी अलोंगसाइड द मार्बल पवेलियंस और द मार्बल बिल्डिंग्स। शाहजहां's आर्किटेक्चर, यू हैव अचीव्ड अ क्लासिकल टाइप स्टाइल। शाहजहां के दौर की वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर संतुलन और समरूपता पर खासा जोर दिया गया है। सुंदरता बनावटी नहीं बल्कि बेहद बारीक थी। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय से मुगल वास्तुकला के स्तर में गिरावट आई, लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। उस समय कला का अंदाज बदल रहा था, अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी, क्योंकि औरंगजेब के समय दक्षिण में कई जंगें चल रही थी जो कि राजकोष पर असर डाल रही थी और उसका प्रभाव शाही इमारतों पर भी पड़ रहा था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का शीर्ष था।
लाल किले के भीतर ये लाहौरी गेट आज भी इस नगर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। शाहजहां के जमाने में भी आम लोग और उनके मंत्रीगण इसी दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश किया करते थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने काल में लाहौरी गेट के सामने ये प्राचीर बनवाकर इसे एक तरह से ढक सा दिया। औरंगजेब ने लाल किले के सामने ये मंडप और उस पर छत बनवाई। हालांकि इसके पीछे का मकसद किलेबंदी की एक और परत बनवाना था, लेकिन शाहजहां को ये बेहद नापसंद रही। बेशक शाहजहां जेल में थे, लेकिन उन्होंने औरंगजेब को ये संदेश भिजवाया कि इस फैसले से उन्होंने लाल किले के सामने मानो पर्दा लगा दिया हो। और आज भी इसी प्राचीर से हर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री का भाषण होता है। जहां लाहौरी गेट आम लोग और मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लाल किले का दूसरा अंदरूनी द्वार दिल्ली गेट सिर्फ राजसी घराने के लोगों के लिए ही सीमित था। और ठीक इस मुसम्मन बुर्ज के नीचे किले का तीसरा अंदरूनी द्वार सिर्फ और सिर्फ शहंशाह के इस्तेमाल के लिए था। So all of these palaces are fortified palaces are constructed roughly. इस सभी किलों का मूल डिजाइन लगभग एक समान सा है, एक बड़ा सा द्वार, और उसके बाद धीरे धीरे आप महल के अंदरूनी हिस्सों में जाते जाएंगे। दिल्ली के लाल किले की बात करें तो मुख्य द्वार लाहौर की तरफ था, इसीलिए इसे लाहौरी गेट कहा गया। और इसके ठीक सामने चांदनी चौक है। उस समय यहाँ पर दाखिल होने का रास्ता बिल्कुल सीधा हुआ करता था। लाहौरी गेट में घुसने के साथ ही एक चकाचौंध नगरी ये दो मंजिला छत्ता बाजार आज भी लाल किले के शाही दिनों की झलक दिखाता है। एक जमाने में इस बाजार को लाल किले का मीना बाजार भी कहा जाता था। इस बाजार की रौनक ने न जाने कितने शाही जुलूसों से लेकर शाही खानदान की पीढ़ियों को देखा होगा। He was a great admirer of the new things. For example, when he went to Peshawar in 1646. शाहजहां हर समय कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। जैसे ही एक बार वो पेशावर गए, तो वहां उन्हें अली मर्दा खान का बनाया हुआ छतदार बाजार बेहद पसंद आया। उस समय लाल किले का निर्माण भी हो रहा था। शाहजहां ने अली मर्दा खान को ठीक ऐसा ही बाजार लाल किले में बनवाने को कहा, और ऐसे लाल किले का छत्ता बाजार अस्तित्व में आया। जरूरी बात यह है कि छत्ता बाजार उत्तर भारत में पहला छतदार बाजार है। इट केम इनटू बीइंग, सो इट इज द फर्स्ट कवर्ड मार्केट इन नॉर्थ इंडिया। छत्ता बाजार का दूसरा छोर किले के आंगन में खुलता है। एक जमाने तक इसी आंगन में हौद नहर कहलाने वाली पानी की नहर दिल्ली गेट और लाहौरी गेट के बीच चौराहा बनाया करती थी। ये पानी की नहरें भी शाहजहानी स्टाइल का एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। असल में लाल किले के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद हामिद लाहौरी और उस्ताद अहमद ने महलों की सजावट में यमुना नदी की नजदीकी का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जिसकी मिसाल थी ये नहर बहिश्त, जो कि शाही महलों और शाही हमाम से होते हुए लाल किले के अंदरूनी भाग में बहती थी। Every Islamic garden has water as a feature.
इस्लाम में पानी या पानी के झरनों को खासा महत्व दिया गया है। सिर्फ मुगल काल ही नहीं बल्कि सल्तनत के समय की वास्तुकला में भी आप देखेंगे कि सुल्तान के महलों में भी पानी के फुहारे हुआ करते थे। ये इस्लामी वास्तुकला का एक बेहद अभिन्न हिस्सा है। 17वीं शताब्दी की इमारतों में आप देखेंगे कि सिर्फ बाग बगीचे और फुहारों में ही नहीं बल्कि पानी की नहरें महल के कई हिस्सों से होती हुई जाया करती थी। एक जमाना था जब यहाँ के हयात बख्श बाग और मेहताब बाग वास्तुकला में पानी की बेमिसाल कला के जीते जागते सबूत थे। हालांकि ये दोनों बाग आज भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें आज अपनी एक छाया भर ही सिकोड़ कर रख दिया है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज फौज की लाल किले में विध्वंस के चिन्ह आज भी हयात बख्श बाग में देखने को मिलते हैं। शाहजहानी स्टाइल की एक और मिसाल हयात बख्श बाग में देखने को मिलती है। गंगा जमुनी तहजीब की तरह शाहजहां ने ये दो पवेलियन या कहें मंडपों की तामीर भी कराई, जिनके नाम हिंदू कैलेंडर के तहत सावन और भादो रखे गए। इन हयात बख्श गार्डन देयर यूज्ड टू बी अ पूल एट द मिडिल ऑफ द गार्डन। हयात बख्श बाग के बीचों बीच एक होज हुआ करती थी जिसमें 48 जल स्रोत बहते थे। सिर्फ यही नहीं, इसके इर्द गिर्द 112 फुआरे हुआ करते थे और मेहताब बाग में भी जल स्रोत देखने को मिलते थे। जल स्रोत को लाल किले की वास्तुकला में बड़ा महत्व दिया गया। यहाँ एक बड़ी तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए, खासकर वो विशिष्ट उपजाति जो मुगलों को बेहद पसंद थी। हयात बख्श बाग में नींबू वंश के पेड़, फूलों में नीले, बैंगनी और सफेद रंगों को अहम रखा गया। साथ ही इस बाग में कॉफी का पेड़ भी हुआ करता था। शाहभूत से जल स्रोत के चालन का नियंत्रण हुआ करता था और यहीं से किले के सभी हिस्सों में पानी भेजा जाता था। हयात बख्श गार्डन, या सो वाटर लिफ्टिंग डिवाइस वाज मेनली इन द शाहबुर्ज एंड फ्रॉम देयर वाटर वाज ट्रांसपोर्टेड टू द एंटायर पैलेस, टू द मेहताब बाग, टू हयात बख्श एंड ऑल्सो टू द सिराग्लियो गार्डन। It was all there, and also to the entire pool. और इन दो मंडपों के ठीक बीच स्थित जफर महल बाग में मुगल वास्तुकला में संतुलन के पहलू के साथ साथ उसके अतीत की झांकी भी है। लाल पत्थर से तराशा गया जफर महल लाल किले में किसी भी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत है। सिर्फ वास्तु ही नहीं लाल किले के आकार में राजसी तौर तरीकों के शिष्टाचार की भी छाप है। और लाल किले के राजगृह का प्रवेश द्वार है ये नौबत खाना, जिसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है। शहंशाह के आगमन से पहले अर्ज बेगी उनकी शान में यहीं से कसीदे पढ़ा करते थे। Now this Jilukhana is where the where the nobles used to dismount, they used to deposit their weapons. ठीक इसी जगह पर मंत्री और राजपरिषद के लोग अपने घोड़ों से उतरते थे, अपने शस्त्र जमा करते थे और नक्कार खाने से गुजरते हुए महल में दाखिल हुआ करते थे। सिर्फ बादशाह और राजकुमार ही घोड़ों पर बैठकर आ सकते थे। इसके अलावा लाल किले में भी नक्कार खाने का एक महत्व है। यहाँ नियमित तौर पर राजसी संगीत बजाया जाता था। अगर बादशाह महल में हैं, तो दिन में 5 बार संगीत बजाया जाता था, और अगर वो बाहर हैं, तो दिन में 3 बार।
और उनके जन्मदिन पर तो पूरे दिन संगीत बजता था। Another ceremony, they used to play it entire day. Otherwise, 5 days, 5 times or 3 times a day, they used to play. And the royal musicians were placed there. After 1857, 58, the British, in their extreme state of paranoia, removed. 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर बेहद बुरी तरह से प्रहार किया, कई दीवारें तक तोड़ डाली, जिसमें इस नकार खाने की दीवार भी थी। यहीं पर शहंशाह के आने का ऐलान किया जाता था और संगीत बजाया जाता था। अठारह की क्रांति के बाद लाल किले पर हमले में अंग्रेजों ने किले के कई हिस्सों को निशाना बनाया। नक्कारखाना भी उन्हीं मूल हिस्सों में से एक था। यूं तो 19वीं शताब्दी आते आते लाल किले की राजनीतिक ताकत सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई थी, लेकिन इसकी शान कहें या कद, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहला संग्राम 1857 की क्रांति में लाल किले को उत्प्रेरणा का स्रोत घोषित किया गया। एक बार फिर दिल्ली का लाल किला हिंदुस्तान के परचम की रक्षा का जिम्मा उठाने को तैयार था। मेरठ कैंटोनमेंट में सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुई क्रांति जल्द ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण बने खेतीबाड़ी, कर वसूली और ब्रिटिश सेना के नए नियम, जो कि भारत के हर समुदाय के मूल नागरिकों के खिलाफ थे। और यह क्रांति देखते देखते एक संग्राम में तब्दील हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब पेशवा, अवध की रियासत और ग्वालियर राजघराने के एक हिस्से ने भी अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। कुछ दिनों बाद अवध के बिरजीज कदर, भोजपुर के बाबू कुंवर सिंह और तुलसीपुर के दृग नारायण सिंह भी संग्राम में जुड़ गए। दस मई 1857 की सुबह क्रांति का झंडा लिए सिपाहियों ने मेरठ कैंटोनमेंट से दिल्ली की तरफ कूच किया। अगले दिन 11 मई को उन्होंने मुगल साम्राज्य के आखिरी वंशज बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का राजा घोषित किया और अपना सेनापति भी। When they all, you know, the soldiers, when the mutiny, especially when the Bengal native infantry, they revolted, the mutiny started there. And then 1857 की क्रांति की शुरुआत अंग्रेज सेना की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी में बगावत से हुई। जब क्रांति का परचम लिए सैनिक मेरठ पहुंचे तो उन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली की तरफ कूच किया जाए और बहादुर शाह जफर को अपनी क्रांति का सेनापति घोषित किया जाए। जफर की उम्र उस समय 70 के ऊपर थी और वो सिर्फ एक नाम मात्र के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने इस क्रांति का सेनापति बनने से इनकार नहीं किया। इसके पीछे कई वजह रही होंगी। हो सकता है उन्हें लगा कि वो हिंदुस्तान को कंपनी रूल से आजाद कराकर एक आजाद देश का परचम लहराएंगे। He said yes, or it was probably the insistence of Bakht Khan, who came and marched with his soldiers and was standing right here in the Red Fort and demanded Bahadur Shah Zafar to be their leader. Lal Qila ek bar phir Hindustan ki rajdhani bana, lekin sirf 4 mahino ke baad tasveer badal gayi. Angrez fauj ne hamla bola, जिसमें देश के कई गद्दारों ने उनका साथ दिया। छह दिनों तक दिल्ली जलती रही। सब तरफ तबाही का मंजर था। दिल्ली की दीवार, जो एक समय अभेद मानी जाती थी, अंग्रेजी फौज की गोलाबारी से छलनी हो चुकी थी।
लाल किले पर अंग्रेजी सेना के हमले के बाद बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को हुमायूं मकबरे स्थित उनके जंगी कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर के बेटों को इसी खूनी दरवाजे पर कंपनी के मिलिट्री मेजर विलियम हॉटसन के आदेश पर सरेआम फांसी दे दी गई। ये मिलिट्री बैरक लाल किले पर अंग्रेजी प्रहार के जीते जागते सबूत हैं। After 1857 revolt, they wanted to take revenge. 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति बदले की भावना थी और खासकर मुगलों के खिलाफ तो कुछ ज्यादा ही थी। अंग्रेज तो मुगल काल के कई प्रतीक और इतिहास तक को ही मिटाना चाहते थे। आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने खासकर लाल किले और शाहजहानाबाद में कई इमारतों को तहस नहस किया और साथ ही जफर के वजीरों और सलाहकारों को सजा भी दी। लाल किले में तकरीबन 80% भाग को अंग्रेजों ने तोड़ डाला। One building from another, these were also broken, and they built barracks here. किले के सुंदर महलों और कई कक्षों को गिराकर अंग्रेजों ने ये बैरक बनवाए और उस प्रहार का नतीजा ये रहा कि लाल किले की कई मूल इमारतें हमेशा के लिए खो गईं। दीवाने आम, एक समय का सिंहासन कक्ष, अंग्रेज फौज के अस्पताल में तब्दील हो चुका था। दीवाने आम के इर्द गिर्द खूबसूरत बाड़े और कमरे मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन उस तबाही के बाद भी आज दीवाने आम लाल किले का एक अहम हिस्सा है। 9 मेहराबों पर टिका दीवाने आम एक खूबसूरत कला को आज भी बयान करता है। दीवाने आम इज एक्चुअली इफ यू सी द पोजीशन ऑफ द थ्रोन व्हिच इज 6 feet अबव द ग्राउंड लेवल द फ्लोर लेवल। दीवाने आम को अगर देखें तो यहाँ पर सिंहासन को जमीन से 6 feet ऊपर रखा गया है और इसकी दिशा पश्चिम की तरफ क़िबला की तरफ है। शाहजहां निजी जिंदगी में एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे और उन्होंने आदेश दिया कि सिंहासन की ऊंचाई जामा मस्जिद से नीचे ही रहे। आप देखेंगे जामा मस्जिद जिस पहाड़ी पर बनाया गया वो लाल किले के स्तर से ऊंचा है। So if you can measure, you'll find that the hillock which was used for Jama Masjid is higher than the hillock which was used for Red Fort. लाल पत्थर की नायाब कला के साथ साथ इस इमारत में पियत्रा द्यूरा यानी संगमरमर पर बारीक नक्काशी भी देखने को मिलती है। Probably the most remarkable part of the Red Fort to my mind and it's still extant is the throne in the public audience hall.
मेरे ख्याल से दीवाने आम लाल किले का एक बेहद महफूज भवन रहा होगा। एक बेहद बड़े पटल पर सिंहासन रखा हुआ है जहां कभी शाहजहां बैठते होंगे। ये सिंहासन भी एक अजीमो शान कला का नमूना है। संगमरमर से बनाया गया, पत्थरों से जड़ा हुआ, इसके खंभों और सतह पर का बेहद बारीक काम आज भी देखने को मिलता है। डिजाइन में फूलों का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक लगता है कि मुगल इन सभी कलाकृतियों से अपने राज्यकाल को बतौर बहार के रूप में बताना चाहते थे। As if the throne were to represent kind of an eternal spring, as if the Mughals were always sort of flourishing, so to speak. लेकिन लाल किले के सौंदर्य में अगर किसी एक चीज का नाम सबसे ऊपर रखा जाए तो वो है पीकॉक थ्रोन, एक बेशकीमती कला का नमूना जो सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में भी चर्चा और हैरत बना। लाल किले के निजी कक्ष दीवाने खास की शान में शुमार पीकॉक थ्रोन फूलों और पक्षियों की कलाकृतियों समेत सोने और कई जवाहरातों से सजा हुआ करता था। इसी पीकॉक थ्रोन या तख्त मुरस्सर पर मुगल सम्राट अपने मंत्रियों सलाहकारों से लेकर बेहद निकटतम और निजी मेहमानों से मिला करते थे। पीकॉक थ्रोन वाज डिजाइन्ड बाय वन ऑफ द वेरी फेमस रॉयल गोल्डस्मिथ, हिज नेम वाज बिबादल खान। सो इट वाज पीकॉक थ्रोन को एक बेहतरीन शाही संतराश बिबादल खान ने बनाया। इसे पीकॉक थ्रोन के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सिंहासन में मोर की आकृति को खासा तवज्जो दिया गया। एक जगह जिक्र है कि इसमें दो मोर की आकृतियां थीं और बर्नियर के मुताबिक सिर्फ एक ही मोर की आकृति थी जिसके पंख में पुखराज समेत कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। गर्दन पर पन्ना और मोती, आंखों में मोती, सिर पर माणिक और हीरे जड़े हुए थे। मोहम्मद वारिस ने तो पीकॉक थ्रोन पर जड़े हर पत्थर का वजन भी बताया था। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी इसी पर था। मोहम्मद वारिस टॉक्स अबाउट द वेट ऑफ ईच एंड एवरी स्टोन दैट हैज बीन स्टडीड इन दिस पीकॉक थ्रोन। सो कोहिनूर वाज आल्सो हियर, कोहिनूर वाज आल्सो स्टडीड हियर, लेटर ऑन इट वाज टेकन आउट, बट इट वाज ओरिजिनली स्टडीड इन दिस थ्रोन एज हैज बीन मेंशनड बाय दीज अकाउंट्स। तख्त मुरस्सर की तरह मुगल साम्राज्य की कई और अनमोल वस्तुएं आज हमेशा के लिए खो चुकी हैं। लाल किले पर यूं तो कई हमले हुए लेकिन सबसे बड़ा हमला 1739 में नादिर शाह ने किया था। सिमटते मुगल साम्राज्य की बागडोर उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ में थी जो कि नादिर शाह की सेना से लड़ने में असमर्थ था। दिल्ली जलती रही और लाल किला लुटता रहा। कहा जाता है कि नादिर शाह की लूट में सबसे नायाब चीज पीकॉक थ्रोन ही थी। पीकॉक थ्रोन वाज टेकन बाय नादिर शाह एंड इट इज सेड दैट। कहा जाता है कि दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह की सेना जब वापस अपने देश जा रही थी तब रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला किया और कई चीजें लूटी। पीकॉक थ्रोन भी उस लूट का शिकार हुआ। लुटेरों ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके कई हिस्से किए और सोने को पिघला दिया। आखिरी जानकारी ये भी रही कि पीकॉक थ्रोन के निचले हिस्से को तेहरान के एक संग्रहालय में देखा गया था।
लेकिन इतने हमलों और लूट के बावजूद आज भी दीवाने खास लाल किले का सबसे सुंदर महल है। आज भी ये महल अपनी खूबसूरती के अंश संजोए हुए है। शायद इसीलिए यहाँ की दीवारें आज भी कहती हैं, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। The dwellings of the imperial family. शाही परिवार के भवन और शहंशाह के निजी कक्ष जैसे दीवाने खास किले के बेहद आखिर में हुआ करते थे। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि सफेद संगमरमर सिर्फ शाही महलों के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी कक्ष लाल पत्थर से बनाए गए। साथ ही निजी हिस्से को नदी के पास इसलिए भी रखा गया क्योंकि इससे ठंडक रहा करती थी। Other people were built in largely in red sandstone. So the being over the river would be cooler. Would be like having your air conditioning, right? And you'd also have a good view. उस जमाने में यमुना नदी से सटे किले के इस अति निजी हिस्से में दीवाने खास के अलावा कई और कक्ष और महल बनाए गए थे। इबादत के लिए एक खास कमरा, तस्बीखाना और बादशाह के सोने के लिए ख्वाबगाह इस महल के दो छोरों पर है। दीवाने आम और नक्कारखाने की तरह यह महल भी अंग्रेज सेना के विध्वंस का शिकार बने। लेकिन विडंबना ये रही कि लाल किला कंपनी रूल और उसके बाद काफी समय तक अंग्रेज राज के शासन की गद्दी भी बना। किले के पूर्वी छोर पर इसी बालकनी से जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 के दिल्ली दरबार के बाद आम लोगों से मुलाकात की थी। किले के दक्षिणी छोर पर एक अति महफूज कोने में महारानी का निजी कक्ष मुमताज महल हुआ करता था। और इस महल का सबसे सजीला भाग था छोटी बैठक। मुगल काल के अंत के बाद अंग्रेजों ने इसे जेल में तब्दील कर दिया था। बेगम जीनत महल इन खूबसूरत और विराट महलों में रहने वाली आखिरी मुगल महारानी रहीं। बहादुर शाह जफर के साथ जीनत महल को भी रंगून तड़ी पार कर दिया गया था। भारत के इतिहास में वो पल एक अध्याय या कहें एक युग का अंत था। लेकिन वक्त ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट कहानी का एक और अफसाना लिखने के लिए लाल किले को चुना। इस बार साल था 1945 और मौका था ऐतिहासिक INA ट्रायल्स। लाल किले के ये बैरक गवाह हैं उन जाबाज देशभक्तों की गाथा के जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना किया। 1857 की क्रांति की तरह एक बार फिर बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज सेना से बगावत कर डाली थी। INA ट्रायल्स के 10 मुकदमों में सबसे अहम कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खान और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों के मामलों की सुनवाई रही। Now these INA trials
as in the words of Smith, who was the head of intelligence bureau, that this INA trial, it united India. अंग्रेजी खुफिया विभाग के मुखिया की खुद की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय मानो देश में हर नागरिक को INA ट्रायल में रुचि हो चली थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक भारतीय की भावना एक ही थी। ये ऐसा पहली बार हो रहा था क्योंकि यहाँ देश के तीन प्रमुख समुदाय के लोगों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था। INA ट्रायल के नायकों के बचाव में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखी। Political propaganda also. As a result of which, we find Muslim League also joined Congress Party for defending the INA war heroes. एक तरफ जहां लाल किले के भीतर मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, तो बाहर जन सैलाब नारे लगा रहा था। लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लों शाह नवाज। भारतीय मूल के सैनिकों के बचाव में कई उम्दा वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी मैदान में उतर आए थे, जिनमें शामिल थे भोला भाई देसाई, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। It was done in a very tight security because when these trials were held, ये मुकदमे बेहद कड़ी सुरक्षा में चलाए गए। मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार बुरी तरह से हिल चुकी थी। ब्रिटिश वायुसेना से लेकर नौसेना में बगावत की खबरें थी। INA ट्रायल के नायकों को अंग्रेजों ने लाल किले के पीछे सलीमगढ़ किले के पुराने कारागार में रखा था। They revolted against the Britishers. So these heroes were kept in a close custody in Salimgarh port. British सरकार इन INA trials से बुरी तरह सहम चुकी थी। प्रेस और यहाँ तक BBC को भी INA trials कवर करने और उस पर कोई भी खबर छापने पर रोक थी। लेकिन INA ट्रायल्स के दो साल पहले नेताजी द्वारा आजाद हिंद फौज के गठन के दौरान से ही लाल किले को एक बार फिर राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। कहा जाता है कि रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र के दर्शन करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और लाल किले में आजाद भारत की विजय परेड करने का ऐलान किया। आखिरकार तकदीर और वक्त ने आजाद भारत के परचम तिरंगा लहराने के लिए लाल किले को चुना। ये अजीमुशान ऐतिहासिक इमारत भारत के कई दौर और राज्यकाल की साक्षी है, साथ ही स्रोत है प्रेरणा, कुर्बानी और देशभक्ति की, या कहें लाल किला एक सिद्धांत है जिसने आज तक भारत को एक सूत्र में संजोए रखा है। India united for the first time seen from the Red Fort in 1857. India united. लाल किला भारत की एकता का साक्षी है। 1857 की क्रांति से लेकर INA ट्रायल और 1947 जब आजाद भारत का तिरंगा यहाँ लाल किले पर फहराया गया।